बंद करो यार। ये हमारा सवेरे का नाश्ता हो गया है, पर तगड़ा है नाश्ता अपना। जो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा दसवां दिन और आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंदिर में ही रुके हुए हैं। टेंट मैंने लगा लिया है और यहाँ पे शहर है बढ़िया और नहीं गांव है, तो इसके लिए मैंने चाय, हम और भाई मिलकर के चाय बनाने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे सिलेंडर हमारा चूल्हा तैयार हो गया है, इसको इस तरह से हम खोलेंगे और हमारा हवा दे रहा है। बंद करो यार, बंद करो, धीरे करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुत खोल दिए तुम। तो सवेरे सवेरे यहाँ पे 10 बजे हम लोग चाय बना रहे हैं, हमारा पोर्टेबल चूल्हा है, अभी तो हम बच गए, अभी आपने देखा ही। और यहाँ पे भाई साहब पानी डाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, हम दोनों मिल करके क्या करें, बुरा फंसा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं ये मंदिर है, बारिश रुक ही नहीं रहा, यहाँ पे टेंट वगैरह था हमारा जैसे कि रात में दिखाएंगे आपको। इतना पानी ठीक है भाई साहब, हमारा चाय बन रहा है, मैंने अभी सिर्फ चाय पत्ती डाला है और उसके बाद चीनी डालेंगे यहाँ पे है, और दो आदमी का इतना ज़्यादा ही कुछ है क्योंकि चूड़ा के साथ में खाने वाले हैं, है कि नहीं, तो देखिए अगर हो जाता है तो उसमें डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, जितना अपने हिसाब से डालिए। ये हमारा सवेरे का नाश्ता हो गया है तैयार, इसमें चूड़ा डाल दिए, थोड़ा सा चाय भी पी लेंगे इधर, इधर इनका है भाई साहब का। क्या भाई साहब कैसा नाश्ता लग रहा है? बहुत तगड़ा है नाश्ता अपना। जो भी है सवेरे सवेरे मिल गया, इतना ऐसा जगह फ्री का चूड़ा मिल गया था, और ये टेंट के अंदर आ गए हैं, खा भी लेंगे थोड़ा। और जो है सही है, सब सही है। आज यहाँ पे तो भाई साहब ने कुछ पकौड़ी और पूरी ले आया है, तो इसे खा लेते हैं, ठीक है। कचौड़ी है, हाँ। गर्मा गर्म कचौड़ी और पूरी मिल रहा था तो वो लिया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे और खाते हैं, टेंट के अंदर में है, आज पूरा दिन यहीं पे रहेंगे क्योंकि बारिश छूट ही नहीं रहा, कपड़ा भी सारा आप देख सकते हैं गीला उला है, तो यही आज का सिचुएशन रहेगा। और बाकी देखते हैं क्या करते हैं, साइकिल वगैरह को भी फिक्स करेंगे कुछ देर में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि उस मंदिर वाले बेकार जगह से हम लोग यहाँ पे आ गए, उसको मैं बेकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात में हम लोग वहाँ रुके लेकिन सवेरे सवेरे वहाँ पे गांव वाले आ गए और गांव वाले ने हमें उठा दिया और बोला कि यहाँ पे शादी होने वाला है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल के आ गए। बारिश इतना हो रहा था कि हम लोग पैकिंग करके सुबह से साइकिल लेके वहाँ पे खड़े थे, लेकिन बारिश छूट ही नहीं रहा था कि हम लोग आगे बढ़े। अभी 5 मिनट के लिए बारिश छूटा और शाम के अभी 4:30 हुआ है और बारिश छूटा, हम लोग यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग है, यहीं पे हम लोग आज रात में रुकने वाले हैं, वहाँ पे हमारा बाइसिकल लगा हुआ है हम दोनों का, और ये फील्ड है यहाँ पे और बगल में पेट्रोल पंप भी है। आप देख सकते हैं ये जो है पूरा एकदम मैदान है, मतलब अच्छा है जगह, मच्छर वच्छर का भी उतना टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद अपने राइड को कंटिन्यू करेंगे, हालाँकि आज हमने तो राइड किया ही नहीं, बहुत ही कम किया, तो क्योंकि दिन भर बारिश हो रहा था, बिन मौसम के बरसात हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ दोस्तों हम लोगों को, तो ट्रेवल में ये सब सारी प्रॉब्लम तो होते रहती है। इसलिए दोस्तों अब खाना पीना खाते हैं, जल्दी से यहाँ पे रेस्ट का व्यवस्था करते हैं क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है दोस्तों, चलिए खाना खाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम एक ढाबा पे आए हुए हैं, अभी हमने यहाँ पे ही खाना खाया और टेंट भी यहीं पे लगाया है क्योंकि वहाँ वाला जो लोकेशन दिखाया वहाँ पे चाचा ने जो थे वहाँ जो चौकीदार थे उन्होंने मालिक से पूछा तो मालिक ने मना कर दिया, तो क्या कर सकते हैं, तो प्लान चेंज हो गया और हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जो ढाबा वाला भैया है उन्होंने बोल दिया कि रुक सकते हो, तो रुक गए हैं और दोनों भाई लोग का टेंट यहाँ पर अभी लग गया, उसके बाद चलते हैं टेंट के अंदर और कुछ बात करते हैं।
तो गाइज फाइनली आज मैं आपको अपना स्टोरी बता देता हूँ आज क्या हुआ। फाइनली टेंट में आ गया हूँ और सवेरे से बताता हूँ। सवेरे सवेरे हम वहाँ मंदिर पे रुके हुए थे और मंदिर पे कोई व्यवस्था ज़्यादा था नहीं, लेकिन आराम से रुके। लेकिन जैसे ही सवेरे हुआ गांव वाले कुछ लोग आ गए और उन्होंने वहाँ से हमें हटा दिया, बोला कि जाइए यहाँ पे शादी होगा। तो बारिश तो हो रही थी, तो हम लोग ने पैकिंग करके साइकिल पे कुछ देर वहाँ पे इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते शाम के 4 बज गया सवेरे से, सोच सकते हैं। और 4 बजे के बाद जब 5-10 मिनट के लिए बारिश हल्का सा कम हुआ तो हम लोग वहाँ से फटाफट निकले, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं था बाथरूम वगैरह का। फिर हमें मिला एक पेट्रोल पम्प, वहाँ पे था व्यवस्था, उसके सामने एक था बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग में हम लोग ने पूछा, सब कुछ बात किया जैसे कि आपको वीडियो में बताया है, लेकिन वहाँ पे जो बिल्डिंग का मालिक था उन्होंने मना कर दिया रहने के लिए। तो फिर हम आ गए ढाबा में, यहाँ पे खाना पीना खाए और टेंट लगा लिए, जगह मिल गया। और यहाँ आज का जो 3 का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 100 रुपये के आसपास में हुआ है। और जो किलोमीटर चलाया वो आज रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादा चलाया ही नहीं। तो यही रहा आज का स्टोरी। आज बहुत दिक्कत हुआ दिन में, देखते हैं कल क्या होता है। कल हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे, मैं पहुंचूंगा ज़रूर पारसनाथ। और ये भाई जो हैं जिनको इनको जहां जाना है वहां जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग का ये यात्रा कर रहे हैं। तो यही तक हमारा साथ रहेगा, बाकी कल तो साथ में रहेंगे ब्लॉग में। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को इन करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में कल। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।